सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के तमाम लोग बयान बदल रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, स्वामी ने कुछ और कहा, लेकिन अब गणेश शिवाड़कर ने एक बेहद सनसनीखेज बात कही। उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा है सुशांत सिंह राजपूत को छत पर ले जाकर के उनका मर्डर किया गया। जी हाँ, छत पर ले जाकर उनका मर्डर किया गया और उसके बाद लाकर उन्हें रूम में बिस्तर पर लिटा दिया गया। आप लोग याद करिए सीबीआई की वो छानबीन, जब लगातार 3 दिन तक वो लोग गए थे और लगातार घंटों उन्होंने छत पर बिठाए थे, जहाँ वो बगल वाली बिल्डिंग से एक्सेस चेक कर रहे थे, उन्होंने दूरबीन से चेक किया, उन्होंने रास्ते चेक किए, उन्होंने सीसीटीवी चेक की, सब कुछ चेक किया, यानी छत का एक्सेस वो लोग चेक कर रहे थे। ऐसे में गणेश शिवाड़कर का ये बयान कि सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए लोग छत पर से आए थे, ये तो कहा गया था, मगर छत पर ले जाकर उनका मर्डर किया गया। मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत की पड़ोसी ने ये बयान दिया था कि उस दिन रात को 10 बजे उनके कमरे की बत्तियां बंद हो गई थी, जबकि आमतौर पर वो देर तक जगते थे, और बहुत से लोगों ने बहुत सारा बयान दिया। मगर गणेश शिवाड़कर ने कहा है कि 13 तारीख की रात को छत पर ले जाकर के उनका मर्डर किया गया और उसके बाद लाकर उनको रूम में लिटाया गया, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि सुशांत ने सुसाइड किया है अपने कमरे में। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि सुशांत ने मर्डर किया है, उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। सीबीआई की जांच की दिशा बदल गई है, जो सवाल खड़े करती है। कहीं ना कहीं अंकित, हम लोग, मैं और अंकित सुशांत के न्याय के लिए भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं, और हमें जवाब चाहिए, सही जवाब चाहिए, ताकि जो सुशांत की न्याय की प्रक्रिया पूरी हो पाए। ये यहाँ वहाँ धुलमुल रवैया नहीं चलेगा, सही सही सीधा सीधा जवाब दो। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। मैं छोटा वीडियो बना रही हूँ कि अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है। बने रहिए मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।